ਸੁਣੀਏ ਬੋਤਲ ਸ਼ੇਕ ਮੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੈਮ ਸਰ ਸੁਣ ਲਾ ਸਰ ਕਾ ਸੁਣ Yes, sir. फिल्म रिलीज होने जा रही है 13 जनवरी को, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है और क्या चल रहा है दिमाग में अभी? हम लोग के दिमाग में बहुत एक्साइटमेंट है, खुशी भी है कि हम इतने स्पेशल दिन इतने अच्छे मुहूर्त पे आने का तय किए हैं, क्योंकि हमारी फिल्म भी वैसी है जो पंजाब को अपनी असलियत में पूरी पंजाबियत पंजाबी फेस्टिवल पे हम आ रहे हैं, तो हम तो बड़े एक्साइटेड हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मधु जी, फिल्म में अमरिंदर गिल हैं और सॉन्ग्स भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स तो बहुत ही उम्दा है। अमरिंदर जी को तो हर कोई जानता ही है, उनके गाने के लिए भी बहुत फेमस हैं, माहिर हैं वो, तो गाना एक्सेप्ट हुआ हमारी फिल्म के साथ, वो इतना बढ़िया गाना जुड़ा हुआ रोमांटिक सॉन्ग है, तो आई होप सारे लोग जितनी दूर तक ये आवाज़ पहुँचे, ऑलरेडी पहुँची हुई आवाज़ पर हमारी फिल्म के ज़रिए पहुँचे, हम ये चाहते हैं कि आप सब इन्जॉय करें इनके म्यूज़िक। तो खैर हमारी फिल्म का USP है, हमारी स्ट्रेंथ है ये, इस फिल्म के सारे गाने, इसमें 3 शब्द कीर्तन हैं और 4 या 5 सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, और वेरियस सिंगर्स भी हैं, अमरिंदर जी हैं, रंजीत बाबा जी हैं जो गाना अपने आवाज़ दिए हम लोगों को, और गुरमोह के सॉन्ग को वीर सिंह एंड गुरशब्द। करण जी, मूवी को डायरेक्ट किया आपने, तो कौन सा मोमेंट था ऐसा आपको जो बहुत ही ज़्यादा हमेशा याद रहेगा शूट के समय? हम लोग शूट कर रहे थे एक बार कनाडा में, तो हमें था कि 9 बजे की शिफ्ट होती है जैसे जाना है, अब वहाँ पे सन जो है उस दौरान सुबह 4 बजे निकल जाता और हमने कहा चलो सन आ गया तो इसका फ़ायदा उठाएं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, तो हम सारे के सारे 7 बजे निकल गए और धूप था, काफ़ी धूप था, मतलब इट्स हार्श सन, यू नो, ऐसा लगता चलो गर्मी है। हम लोग वहाँ पे गए कल्टेस लेक के बाजू में और वहाँ जाके पहुँचे तो हम लोग सारे ठंड के मारे कांप रहे थे, और पूरा दिन हम रात को 11 बजे तक सन था, पूरा दिन हम शूट करते 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 ऐसा लगा रात ही नहीं हुआ। इसके साथ ही जाना चाहेंगे, पंजाबी फिल्म है तो जाहिर सी बात है लोरी पे रिलीज किया जाएगा तो ज्यादा ही इसे पसंद किया जाएगा, उसको लेकर मतलब क्या स्ट्रेटेजी है लोरी पे रिलीज करने का? मूवी लोरी पे आने का एडवाइस मुझे वैशु भगदानी जी ने दिया था कि ये बहुत अच्छा दिन भी है पंजाबी फिल्म के लिए, प्लस अभी गुरु नानक देव का प्रकाश दिवस भी अभी भी क्या ही है कल ही हुआ, तो ये पूरा दौर जो है बहुत ऑस्पेशियस भी है, बहुत बढ़िया भी है, और लोहड़ी भी इतनी अच्छी फिल्म आ जाए जी तो और क्या चाहिए फिर। साथ ही जाना चाहेंगे, प्रियंका नहीं है इस वक्त, वो निकल गई हैं अपने हॉलीवुड शूट के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप, पूरी फिल्म के लगने पर रिलीज होने पर नहीं आ पाएंगे? उनका दिल होता तो पंख होती उड़ी आती, वो ज़रूर आती लेकिन वो मशरूफ़ है अपने काम में, वो नहीं आ पाए, लेकिन वो हमारे साथ रोज़ डिस्कस, आज सुबह भी क्या प्लान है, मार्केटिंग क्या आप कर रही हैं, सब वो हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर मैं उनको कहती हूँ, रिमोट कंट्रोल से कर रही हैं, लेकिन हर चीज़ वो जानती हैं, हर चीज़ में उनका मशवरा है और हम लेते भी हैं उनका राय और हमें मार्गदर्शन जो कहते हैं वो कर रही हैं। लोहड़ी आ रही है सरवन, फिल्म आ रही है सरवन लोहड़ी ते 13 जनवरी नू, आओ फिल्म देखो ते एक सरवन पुत्र बन जाओ अपने माँ प्यो वास्ते। थैंक यू।